बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है एक सर्कल है जो टच करता है साइड बीसी को ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट पॉइंट पी, ठीक है, एंड टचिंग एबी एंड एसी प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर। मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि पेपर में डायग्राम तो होगा नहीं, तो पहले हमें डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल को लेते हैं, ये सर्कल ले लिया, ठीक है, और उसके बाद बोला है ये सर्कल टचिंग द साइड बीसी, ठीक है, एक सर्कल है जो बीसी को टच करता है, बीसी ये साइड हो सकती है, और उसके बाद बोला है एबी एंड एसी प्रोड्यूस, ठीक है, एबी और एसी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ए इधर कोई पॉइंट होगा, इधर हो जाएगा एबी, मैं इसको, और ये फिर आगे चल के टेंजेंट का काम करती है, ठीक है, टचिंग, और ये हो गया फिर मेरा एसी, एसी पॉइंट हो गया, ठीक है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, और प्रोड्यूस करने के बाद एट क्यू एंड आर, ये जो है वो क्यू और आर पॉइंट पे जाके टच करती है। मैं फिर से बता दूं कि एक सर्कल है जो साइड बीसी को टच करता है और उसके बाद एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पे ये टच करता है एंड टचिंग, और उसके बाद ए बी और ए सी साइड, मतलब बी और सी पहले पॉइंट था, ए मैंने सपोज कर लिया कोई बाहर पॉइंट होगा तभी बनेगा ए बी और ए सी, और उस ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया है, तो ए बी जो है वो मीट करती है क्यू पॉइंट पे सर्कल पे, और इसी टाइप से ए सी को जब प्रोड्यूस किया है वो मीट करती है आर पॉइंट पे सर्कल पे। इस तरह से देखो मेरे पास तीन टेंजेंट आ गई, एक तो बी सी टेंजेंट आ गई, दूसरा ए क्यू टेंजेंट आ गया, और थर्ड ए आर टेंजेंट आ गया, तो तीन मेरे पास टेंजेंट है, और हमें प्रूफ करना है ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरीमीटर ऑफ ए बी सी। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पैरीमीटर दिया हो, एरिया दिया हो प्रूफ में, तो जो बड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, इसमें पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखा हुआ, ये बड़ा टर्म है, पैरीमीटर के अंदर साइड्स आ जाती हैं, ठीक है, और ए क्यू एक छोटा सा टर्म है, तो हमें उस तरफ से स्टार्ट करना है जिस तरफ बड़ी क्वांटिटी का यूज़ हो रहा हो, जैसे पैरीमीटर है। अब जैसे एरिया आ गया इसी क्वेश्चन में, तो हम स्टार्ट करेंगे एरिया से, क्योंकि एरिया बड़ी क्वांटिटी है, जो बड़ी क्वांटिटी होती है हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है जिससे क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का पैरीमीटर क्या हो सकता है, सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, है ना, सम ऑफ ऑल साइड आएगा पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, ए बी ए बी रहेगा, बी सी को मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें ए क्यू तक पहुंचना है, तो ए की क्यू पॉइंट इधर आ रहा है, तो इसलिए हमें बी सी को स्प्लिट करना पड़ेगा बी पी प्लस पी सी और प्लस सी ए, ठीक है। देन पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिया, फिर से पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देखो, ए पी और बी पी, लेकिन बी पी को मैं चेंज कर लेता हूँ, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू होगा, है ना, बी पी इज इक्वल टू बी बी क्यू होगा, क्योंकि B से देखो दो टेंजेंट आ रहे बी टू पी और बी टू क्यू, ठीक है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे दोनों पे टेंजेंट को फॉल किया है, तो बी पी और बी क्यू दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा, ये हम लोगों ने थ्योरम में अभी पढ़ लिया था, ठीक है। और पी सी इज इक्वल टू सी आर होगा, क्योंकि C से P पे टेंजेंट जा रही है और C से R पे R टेंजेंट जा रही है, ये सर्कल पे दोनों टेंजेंट हैं, तो पी सी की जगह पे हम सी आर लिख सकते हैं प्लस सी, और इसका रीजन साइड से लिख सकते हो B एंड सी आर एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया है, ठीक है। देन ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू चेक करो, ए बी प्लस बी क्यू से हमें क्या मिलेगा, ए क्यू मिल जाएगा, ए बी प्लस बी क्यू से क्या मिलेगा, ए क्यू मिल जाएगा। सिमिलरली सी आर और सी ए से हमें जॉइंट करके क्या मिलेगा, ए आर मिलेगा, क्लियर। और लेफ्ट में चल रहा था पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए क्यू, ए क्यू ए से टेंजेंट क्यू पे फॉल किया गया है, ध्यान से देखो, ए एक्सटीरियर पॉइंट का काम करेगा, बी और सी बी हालांकि पहले कर रहा था लेकिन ए से क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ए से आर पे, आर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, यानी ए से आर टेंजेंट है और ए से क्यू टेंजेंट है, ये सर्कल पे टेंजेंट है, ठीक है।
और ये टेंजेंट है तो ए क्यू और ए आर का वैल्यू इक्वल होगा, यानी ए आर भी ए क्यू के इक्वल होगा, ये थ्योरम से हुआ है। यानी टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, यानी ए पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया और एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट को फॉल करते हैं तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। ए क्यू ए क्यू यानी 2AQ आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। 2 को अपॉन में ले आएंगे, प्रूफ आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।